सूहने की नशा और मानसिक बीमारी, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कुछ लोगों को आदत रहती है सूहने की कुछ कुछ दवाइयां, और दवाइयां मतलब नॉट दवाइयां, ड्रग्स एक्चुअली है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्राइट्स है, या फिर डिओडोरेंट्स है, स्पिरिट्स, फिर कुछ स्प्रेज है, वाइटनर्स है, तो ऐसे कुछ जो दवाई मार्केट, केमिकल्स मार्केट में मिलते हैं, तो सूंघने की लोगों को आदत रहती है। एक तो वो डायरेक्टली स्प्रे नाक में मारते हैं, या फिर कपड़ा उसमें डुबा के, कपड़ा मुंह के ऊपर रखते हैं ऐसा, और वो सूंघते रहते हैं, और उससे फिर उनको नशा चढ़ता है। नशे में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत यूफोरिया आता है, बहुत मज़ा आता है, और वो बार 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 सूंघते रहते हैं। आपको काफ़ी दिखेंगे ऐसे बच्चे कि जो 10-12 साल के बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में इधर उधर कोने काने में रात के अंधेरे में ये वाइटनर की नशा करते हुए आपको दिखेंगे, या बस स्टैंड के पीछे जहाँ अंधेरा है वहाँ बच्चे दिखेंगे। इसका होता क्या है, कभी कभी इसका डोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा डोज होने के बाद में फिर डिलीरियम आना, मतलब मालूम नहीं कहाँ है, तो डिसोरिएंटेशन हो जाना, फिर कुछ बक 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 करते जाना, मतलब इरिलेवेंट टॉक, एक्सेसिव टॉक, फिर क्रैम्प्स आना पैरों में, फिर हाथ में थरथराहट आना, पसीना तर हो जाना, छाती में धड़कन हो जाना, और फिर सबसे बड़ी बात मतलब कभी कभी वायलेंट हो जाना, एक्साइटमेंट आ जाती है, और फिर उसमें खुद को वो इंजुरी कर सकता है, लोगों को इंजुरी कर ले सकता है। तो ऐसे वो नशा है, और वो नशा का बहुत ज़्यादा होने से होता है। नशा थोड़ी मात्रा में क्या तो ठीक है, वो वहाँ पड़े रहेगा, फिर आधे घंटे बाद में वो नशा उतर गई, फिर सूंघेगा और वो चलते रहेगा, उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ती है। डोज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते जाना पड़ता है डोज, क्योंकि उतने डोज से उसको होता नहीं है। तो ये आदत छुड़वाना ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों को इससे दूर रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसका इलाज साइकेट उसके पास में होता है, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम काफ़ी हो जाते हैं इसमें, बिहेवियरल प्रॉब्लम को ठीक करना और नशा का इलाज करना, ये दोनों भी हम करते हैं। तो ये बच्चे जो है, कुछ इसमें के बच्चे अनाथ बच्चे हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप रहते हुए मालूम नहीं माँ बाप को कि ऐसा अपना बच्चा नशा कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम आगे कुछ क्रिमिनल्स बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चे आगे चल के ऐसे नशा करते तो आगे चल के बहुत बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं, क्योंकि वो नशाखोरी उनकी बढ़ते जाएंगे और वो हमारे देश के लिए विघातक होगा। तो ऐसा आपको कभी बच्चा दिखता है तो ज़रूर उसको, उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, उसका इलाज करो, ताकि अपना देश जो है उसके अच्छे नागरिक बनाने में आपकी सहायता होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।